गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि होंगाई में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो कुछ हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, ओनिडिया, ओइडिया, ओनिडिया एस्पोर के थ्रू, और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा हम लोगों ने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में कंप्लीट हो रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड, उस मेथड के बेसिस पर फंगाई जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो उसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। ओके, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में किस किस तरीके से होता है, उस चीज को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे फर्स्ट में एक होता है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। फर्स्ट में प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, कि कैसे गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म दिया गया प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, तो है क्या, तो जो मोटाइल गैमेट होते हैं उसको कहते हैं प्लैनोगैमेट। मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लैनो गैमेट। मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लैनो गैमेट्स। अब देखो होता क्या है कि या तो दोनों, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट मोटाइल हो और दोनों आकर के आपस में फ्यूज करें, या फिर दोनों में से कोई एक मोटाइल हो और दूसरे के पास जाए और फ्यूज करके जाइगोट बनाए, जाइगोट से स्पोर बनेगा और स्पोर से फिर नए जर्मिनेशन होकर के माइसेलियम बनेगा। तो उसी को, इस तरह के जो फ्यूजन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो यानी कि वन और बोथ, वन और बोथ गैमेट्स आर मोटाइल फॉर फ्यूजन। तो जब भी दो अलग अलग गैमेट फ्यूज करता है, ठीक है, तो हम लोगों ने याद करो कि देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो 3 फेज में प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी और मियोसिस। तो जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देख रहे हैं, तो दो गैमेट अलग अलग जब फ्यूज करेंगे तो उसमें प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी और मियोसिस होगा। तो दोनों गैमेट, यानी ये दोनों में से कोई एक या दोनों जो मोटाइल होंगे वो फ्यूजन करेंगे, मोटाइल फॉर फ्यूजन। दे परफॉर्म, क्या परफॉर्म करेंगे, तो दे परफॉर्म प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब आप जान रहे हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एंड कार्योगैमी, कार्योगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी एंड मियोसिस। तो कहने का मतलब समझो, या एक छोटा सा मेल गैमेट या कोई फीमेल गैमेट है, कोई भी एक है, तो मान लीजिए यह मेल गैमेट और यह दूसरा ये हो गया फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूजन किए, मान लीजिए दोनों मोटाइल है, ठीक है ना, यहां पर बोथ मोटाइल, फ्यूजन करके यहां पर यह 2n हो गया, 2n का मतलब यह जाइगोट, जाइगोट से ये क्या बन गया,
ये जाइगोट से या मियोसिस हुआ जाइगोट में और यह स्मॉल स्पोर बन गया। यही स्पोर फिर क्या करेगा, जर्मिनेशन करके यानी ग्रोथ करके और क्या बना लिया, माइसेलियम। माइसेलियम का मतलब फंगल बॉडी। तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन दूसरा एक चीज होता है कि जब इसी में ये प्लैनोगैमेटिक पॉपुलेशन में ही कि जब मेल गैमेट मोटाइल हो और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो, वो दोनों आपस में फ्यूजन, मेल गैमेट चल करके जाए फीमेल गैमेट के पास और इस तरह से फ्यूजन हो, तो उसको कहते हैं ऊ प्लैनोगैमेटिक पॉपुलेशन। यानी वेन मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल फ्यूज विद लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कॉल्ड प्लैनोगैमेटिक पॉपुलेशन। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो उसी चीज को प्लैनोगैमेटिक में ही प्लैनोगैमेटिक पॉपुलेशन कह दिए बेटा, ठीक है। तो आपको इसी को थोड़ा सा डिफरेंस है बस दोनों में याद रखना है। इसमें दोनों में से कोई भी मोटाइल हो सकता है या दोनों मोटाइल हो सकते हैं। गैमेट मोटाइल का मतलब फ्लैजिला होगा उसके ऊपर, उसको चलने फिरने के लिए, लोकोमोशन के लिए। और यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि कोई एक यानी मेल गैमेट मोटाइल होगा और साइज में छोटा होगा, जबकि फीमेल गैमेट बड़े साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास फॉर द फ्यूजन और वह स्पोर का फॉर्मेशन करा लेगा, तब वह कहलाएगा प्लैनोगैमेटिक पॉपुलेशन। तो इस चीज को आप समझें। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है प्लैनोगैमेटिक कंप्लीट हुआ, अब है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजिया का आपस में कॉन्टैक्ट में आना। तो सेकेंड हम लोग देखेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये अगर हो गया नोट डाउन कर लिए, तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ओके, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में ये बात आप समझो कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो है वो होता क्या है। हाइफा तो आप जान रहे हो, माइसेलियम मतलब फंगाई का बॉडी, और उस माइसेलियम में बहुत सारे हाइफा बने होते हैं। तो ये जो हाइफा है, यही हाइफी जो है वह सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है। सेक्स ऑर्गन का मतलब जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हो सके, जैसे हमारे बॉडी में सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जैसे फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, मेल का सेक्स ऑर्गन है, यानी जो सेक्स करने के लिए हेल्प करते हैं और गैमेट फॉर्मेशन में, तो दैट इज द सेक्स ऑर्गन। तो उसी तरह प्लांट में या फंगाई में भी सेक्स ऑर्गन होता है। तो प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है, तो प्लांट का सेक्स ऑर्गन हम लोग आगे देखेंगे प्लांट के किंगडम में। तो यहां पर फंगाई का सेक्स ऑर्गन जो है वो हाइफा में बनता है। तो दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जब दोनों सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग हाइफा पे बने, यानी कि माइसेलियम, माइसेलियम एक ही होगा, बस हाइफी क्या होगा, वो दो अलग अलग हाइफी होंगे। तो दो अलग अलग हाइफी पे और एक ही माइसेलियम के दो अलग अलग हाइफी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल
सेक्स ऑर्गन आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म ऑन टू डिफरेंट टू डिफरेंट हाइफी ऑफ सेम माइसेलियम तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह दो अलग अलग हाइफी के एक ही माइसेलियम पे बनेंगे आर फॉर्म्ड ऑन टू डिफरेंट हाइफी ऑफ सेम माइसेलियम जिसमें से मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम उसको क्या कहेंगे हम लोग एंथेरिडियम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को और यहां पे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हमने एक कैपिटल ऐसे लिख दिया है तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैंने किया है एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड उगोनियम तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम कहते हैं अब मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ऑर्गन जो है दोनों सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और दोनों के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होगा बोथ है सिंगल न्यूक्लियस बोथ सेक्स ऑर्गन कम इन कॉन्टैक्ट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब और दोनों एक दूसरे के नजदीक कॉन्टैक्ट में आएंगे किसके थ्रू तो वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू कमिंग कॉन्टैक्ट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब और तब क्या होगा देन मेल सेक्स ऑर्गन पास न्यूक्लियाई इन फीमेल सेक्स ऑर्गन टू परफॉर्म फॉर्म क्या परफॉर्म करवाने के लिए तो प्लाज्मोगैमी एंड कार्योगैमी विच डेवलप तो क्या डेवलप होगा डेवलप जाइगोट बन गया और यही जाइगोट परफॉर्म मियोसिस अब इसी में क्या होगा मियोसिस ठीक है तो इस चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं कि डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए या एक माइसेलियम है ठीक है ना
और यह एक माइसेलियम के अंदर उसका यह एक न्यूक्लियस है, सॉरी माइसेलियम नहीं, यह एक समझो कि हाइफ़ है, और उसी माइसेलियम का यह ये दूसरा हाइफी है, और ये हुआ इसके अंदर इसका न्यूक्लियस और ये पार्ट, दोनों के बीच में एक कांटेक्ट बनेगा। कांटेक्ट किसका बनेगा? तो दोनों एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिए। दिस इज द फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब हो गया। तो मान लीजिए कि यह मेल है और यह फीमेल है, तो यह न्यूक्लियस क्या होगा? इसके अंदर जाएगा, तो ये अपना न्यूक्लियस जो है इसको पास करेगा, तो ये न्यूक्लियस इसके अंदर आएगा। तो ये एक तरह से पहले दोनों जो है आपस में फ्यूज हुए, दोनों का प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूजन होगा, देन तो यानी ये दोनों क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी एंड कार्योगैमी। प्लाज्मोगैमी परफॉर्म किए और साथ ही साथ क्या परफॉर्म किए, तो कार्योगैमी को परफॉर्म कर लिए। प्लाज्मोगैमी और कार्योगैमी अगर परफॉर्म हो गया तो उससे फिर क्या बन जाएगा, तो उससे बनेगा जायगोट। तो ये देखिए अब इससे क्या बन जाएगा, यह एक जायगोट बन गया, और यह अब 2n हो जाएगा, क्योंकि यह n था और यह भी n था, 2n हो गया, तो ये जायगोट, और जायगोट से फिर जायगोट जो है वो क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस कर लिया तो 4 हैप्लोइड या स्पोर बन गया, ये क्या बन गया, 4 हैप्लोइड स्पोर हो गया, और यही स्पोर जर्मिनेशन यानी ग्रोथ कर लिया, जर्मिनेशन, तो ये क्या बन गए, तो यहां पर ये 4 माइसेलियम बन गया, ठीक है। ये 4 माइसेलियम बन गया, दिस इज द माइसेलियम। तो इस तरह से आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही माइसेलियम के या एक ही माइसेलियम के दो अलग अलग हाइफी पे बना, दोनों अपने जेनेटिक मटेरियल को और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को मिक्स करने के लिए एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, और तब उसके बाद यानी कि वह प्लाज्मोगैमी एंड कार्योगैमी होगा, तो जायगोट बन गया। मियोसिस कभी भी होता है तो ये क्या बनते हैं, 4 हैप्लोइड सेल बनता है, यानी 4 हैप्लोइड यहां पर स्पोर बन गया, और यही स्पोर जर्मिनेशन करके यानी 4 माइसेलियम ग्रोथ कर गया है। तो इस तरह से अभी ये बात हम लोग नहीं देख रहे हैं कि ये माइसेलियम जो होगा वह कौन सा है, ठीक है ना, मतलब माइसेलियम सेप्टेड है या एसेप्टेड है अभी इसकी बात नहीं है, वो जब अभी हम लोग क्लास जब पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर इस तरह से ये बन गया, तो आपको थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड एक है, जैसे ये गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट है तो दूसरा हम देखेंगे गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। तो यहां पर ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब हमने लिखा, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि यहां पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रहा है लेकिन वहां पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होना है। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन ट्यूब को अभी ही आप को रिमाइंड करा दिए, हाईलाइट कर दिए, कि ताकि आपको ये बात जो है वह ध्यान में रहे। तो यहां पर तो हमने क्या कहा, ये इस तरह से आप ध्यान रखिए, फंगी, फंगी कहा, फंगी या माइसेलियम और
तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ मेल हाइफी और दूसरे तरफ फीमेल हाइफी, यानी दो अलग अलग फंगल हाइफी होंगे। यह भी फंगल हाइफी, माइसेलियम एक ही है, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर थोड़ा सा आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यह भी फंगल फंगल हाइफी ही है, बस ये समझ लो ये फंगल हाइफी कोई एक जो होगा वो क्या हो गया, तो ये हो गया समझ लो मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा जो फंगल हाइफी है वो क्या बन गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और दोनों सेक्स ऑर्गन जो हैं ये आपस में फ्यूज किए, किसके थ्रू, तो वही फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू, तो यहां से इनका फ्यूजन हो गया, तो इनमें क्या हो गया, इनमें हो गया प्लाज्मोगैमियन कारियोगैमी, प्लाज्मोगैमी और कारियोगैमी होने से क्या हो गया, तो वही यह जाइगोट, जाइगोट में फिर क्या हमने बोला था, तो हमने बोला मियोसिस, मियोसिस होकर क्या हो जाएगा, तो स्पोर, और स्पोर फिर क्या कर लेगा, तो स्पोर करेगा जर्मिनेशन, तो फिर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा माइसेलियम। तो थोड़ा सा आपको यही चीज को इस तरह से, चाहे आप जैसे याद रखो, डायग्राम डेफिनेशन से याद रखो, डायग्रामेटिक से याद रखो, या टेबल फॉर्म में इस तरह से आप याद रख लो, बस चीजों को समझने से मतलब है, हमें याद रखने से मतलब है कि आप कैसे याद रखते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहते हैं, तो एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कह रहे थे, उगोनियम, बस हो गया, ठीक है। तो उगोनियम या इसी को एग भी आप बोल सकते हैं, तो आप जैसे भी याद कर लो। अब हम लोग देखेंगे गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट के बाद में गैमेटेंजल पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो थोड़ा देखिए गैमेटेंजल पॉपुलेशन के बारे में। गैमेटेंजल पॉपुलेशन हमारा क्या कहता है, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल जो सेपरेट सेक्स ऑर्गन है वो डायरेक्टली एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, वहां पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब या किसी दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत उसको नहीं पड़ने वाली है। तो आप थोड़ा सा ये बात को अभी तक यहां पर, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर सके हम। तो यहां पर इसमें जो है आपको गैमेटेंजियल पॉपुलेशन का मतलब वही कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो आइडेंटिकल जो गैमेटेंजिया होंगे, गैमेटेंजिया का मतलब जिसमें गैमेट बनता है, डायरेक्टली फ्यूज करेंगे, तो टू आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल गैमेटेंजिया डायरेक्टली फ्यूज्ड, डायरेक्टली फ्यूज्ड टू परफॉर्म प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और किसके फॉर्मेशन के लिए, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। और फिर आप जानते हैं जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट के बाद में क्या होगा,
मियोसिस इन जाइगोट, जब मियोसिस जाइगोट में हो जाएगा, मियोसिस इन जाइगोट टू फॉर्म फोर हैप्लोइड स्पोर विच जर्मिनेट टू फॉर्म विच जर्मिनेट टू फॉर्म जर्मिनेट टू फॉर्म क्या बनाएगा, तो ये जर्मिनेट करके माइसेलियम को बना देगा, ठीक है ना। तो आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हो गया तो अब इसे भी मैं मिटा रहा हूं। ये दोनों का जो गैमेटेंजिया है डायरेक्टली फ्यूज किया है इस तरह से, तो जो गैमेटेंजिया है वो डायरेक्टली फ्यूज कर गया और यहां पर ये फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लिया। फ्यूज किया तो इसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट और इसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, दोनों के प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है दोनों का वो फ्यूज करेगा आपस में, तो यानी कि प्लाज्मोगैमी एंड कार्योगैमी दोनों जो होंगे वह परफॉर्म करेंगे। तो ये बात आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है, और ये जो बनता है इसी को कहते हैं जाइगो स्पोर। तो ये गैमेटेंजिया है दोनों का, दिस इज द गैमेटेंजिया, और इसी गैमेटेंजिया में दोनों का ये गैमेटेंजिया अब ये क्या करेगा, तो ये कर लेगा प्लाज्मोगैमी एंड कार्यो, ये कार्योगैमी। तो प्लाज्मोगैमी और कार्योगैमी जब परफॉर्म होगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन गया जाइगोट। थोड़ा सा ड्राइंग करके सुंदर बना दिया, कंफ्यूजन मत होइए कि वहां पर सर आपने जाइगोट में कोई तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मेरी मर्जी जो बना दू, ठीक है, आपकी भी मर्जी जो आपको अच्छा लगे बना लो, बस कंसेप्ट याद रखो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मेरा दिल किया अभी बनाने का, मैंने बना दिया, आपका भी अगर दिल करे तो आप भी बना लिया करो, मन को मारने से कोई मतलब नहीं है, आपका मन खुश होना चाहिए। तो ये देखिए, तो ये क्या बन गया, दिस इज द जाइगोट। जाइगोट हमेशा 2N से रिप्रेजेंट करते हैं, अब यही जाइगोट क्या कर लेगा, मियोसिस, तो क्या बन जाएगा एप्पोर, एस्पोर में भी कैसा एप्लॉयड एस्पोर, और यही स्पोर क्या करेगा जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन हो गया, तो जर्मिनेशन से जर्मिनेशन के बाद क्या बन जाएगा, तो माइसेलियम, ठीक है ना। और यही जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज द जाइगो स्पोर, तो यह जाइगो स्पोरेंजिया का मतलब कि इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला, ठीक है, जाइगो गैमेटेंजिया, सॉरी
गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जाइगो गैमेटेंजिया। ओके, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज द गैमेटेंजियल पॉपुलेशन का हुआ, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। ठीक है, अब आप समझ गए। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्लानो गैमेटिक पॉपुलेशन, दूसरा देखा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, थर्ड वन जो है वह है हमारा गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, और एक लास्ट हमारा जो है वह स्पर्मेटोगैमी। तो स्पर्मेटोगैमी भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो अगर ये आपका नोट डाउन हो गया तो अब हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोगैमी। स्पर्मेटोगैमी हमारा क्या कहता है, स्पर्मेटोगैमी हमारा कहता है कि जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है वह किसी वाटर या किसी दूसरे मीडियम से या इंसेक्ट से या वाटर से किसी भी चीज से वह कैरिड आउट होकर के कहां चला जाएगा, तो गैमेटेंजिया में चला जाएगा, और जिससे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, जैसे और हाँ इसके एग्जांपल जैसे आप देख लो, जैसे स्पर्मेटो ये इसके एग्जांपल जैसे आप पहले इसको देख लीजिए, एग्जांपल के रूप में ये इसका है राइजोपस न्यूकर, और वहां पर जो इसके पहले गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का था, गैमेटेंजियल जो कॉन्टैक्ट है उसका एग्जांपल आप डाल देंगे अल्बुगो। ठीक है ना, और क्लोरो गैमेटेंजियल बहुत कॉमन है, किसी में भी होता है। और अब देखना है हम लोग को स्पर्मेटोगैमी, स्पर्मेटोगैमी का एग्जांपल अभी दिखाते हैं आपको, अगर ये हो गया तो चलिए अब देखिए स्पर्मेटोगैमी। स्पर्मेटोगैमी हमारा क्या कहता है, तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैरिड बाई वाटर और इंसेक्ट इंसेक्ट टू फीमेल गैमेट फॉर फ्यूजन कॉल्ड स्पर्मेटोगैमी। इसी को स्पर्मेटोगैमी, इसका एग्जांपल जो है वह है, इसका एग्जांपल है पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रैमिकोला, बहुत सारे एग्जांपल है, पक्सिनिया जीनस नेम है, तो पक्सिनिया में जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है। और अगर स्पेसिफिक अगर पार्टिकुलरली आपसे कभी पूछ दे तो पक्सिनिया ग्रैमिस आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना, पक्सिनिया ग्रैमिस, तो बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तो इस तरह से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोग ये देख लिए, इसका मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो फंगाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद में हम लोगों का टॉपिक जो है वह है जो क्लास में हम लोगों ने डिवाइड किया था, जैसे फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है ना, तो या बैसिडियोमाइसिट्स, वो सब अलग अलग क्लास जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ओके, अब हम लोगों को क्लास देखना होगा, ये हमारा क्योंकि कंप्लीट हुआ फंगाई का पूरा रिप्रोडक्शन।